हेलो, अस्सलाम वालेकुम. दिस इज सुहेल अंजुम हेयर अगेन. आज हमने जिस इंडिकेटर के बारे में बात करनी है वो है मूविंग एवरेज के. मूविंग एवरेजेस हमने डिस्कस कर ली थी, तो आज हम RSI मीन वाइल, RSI मीन रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर पे बात करेंगे. ये एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को डिफाइन करने के लिए. ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में आपके एंट्रीज एंड एग्जिट पॉइंट्स डिफाइन करने में, क्योंकि ये हमें इंफॉर्मेशन देता है ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड कंडीशन कि इस टाइम स्टॉक्स या जो एसेट्स हैं वो ओवरबॉट हो रहे हैं या ओवरसोल्ड हो गए हैं. तो ये एक हमें इस तरह की क्लियरली इंडिकेशन देगा जिससे हम रियलाइज करवाएंगे कि इस टाइम मार्केट हमारी ओवरबॉट कंडीशन में है या मार्केट हमारी ओवरसोल्ड कंडीशन में है. तो आई होप कि ये लेक्चर आपको काफ़ी पसंद आएगा. तो चलते हैं बिना किसी टाइम ज़ाया किए बगैर. मैंने पहले तीन मूविंग एवरेजेस यूज़ की थी, 8, 32 एंड 55. तो मैंने बेसिकली तीन इंडिकेटर्स अप्लाई किए थे. तो ये क्योंकि ये है मेरा बेसिक अकाउंट, ये मेरा प्रो अकाउंट नहीं है. बेसिक अकाउंट में ये होता है कि आपको मैक्सिमम तीन इंडिकेटर्स यूज़ करने की इजाज़त दी जाती है फ्रॉम ट्रेडिंग व्यू. बहरहाल आप चेक कर सकते हैं. यहाँ पर अभी जो हमने इंडिकेटर डिस्कस करना है वो है RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स. अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो वो मुझे ये कहेगा भाई कि आप तीन से ज़्यादा इंडिकेटर्स यूज़ नहीं कर सकते. राइट नाउ योर प्लान हैज़ थ्री इंडिकेटर्स, और अगर आप यह ज़्यादा यूज़ करना चाहते हो तो आप इनकी प्रो सब्सक्रिप्शन ले लो. तो हमारे पास बड़ा सिंपल सा हल ये है कि हम इसमें से अपनी 55 मूविंग एवरेजेस के इंडिकेटर्स को रिमूव कर लेते हैं, ठीक है? तो ताकि हम RSI को बेहतर तरीके से समझ भी सकें. तो मैं अभी इंडिकेटर लगाने की कोशिश करता हूँ. RSI, कीप रिमेम्बर द नेम इज RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स. रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज द मोमेंटम इंडिकेटर. मोमेंटम इंडिकेटर, हमें पता है कि मोमेंटम से क्या मुराद है, कि किसी भी क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम. के जितनी क्वांटिटी मूव हो रही है उस मोशन के दौरान बॉडी की, वो हमें एक मोमेंटम की सूरत में पता चलेगा कि मार्केट का क्या मोमेंटम है, ठीक है? तो हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के इंडिकेटर को अप्लाई करते हैं तो ये कुछ इस तरह की सूरत हाल आपको नजर आ जाएगी. ये इंडिकेटर आपका लग जाएगा, इट इज कॉल्ड रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स. अब ये हमें इंफॉर्मेशन, मैंने आपको बताया था कि ये क्या इंफॉर्मेशन देता है, कि ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशन जो होती हैं इन द प्राइस ऑफ स्टॉक्स और इन द एसेट्स, उसको हमें इवेल्युएशन में ये हेल्प करता है. और RSI इज अ डिस्प्लेड एज एन इंडिकेटर इन विच वी कैन हैव अ वैल्यू फ्रॉम 0 to 100. जिसमें मैं अगर इस इंडिकेटर को डबल क्लिक करता हूँ तो आपको ये इसकी वैल्यूज नजर आएंगी. फ्रॉम 0 to 100 के दरमियान में हमने मोस्टली इसको स्टडी करना होता है. अगर तो 0 से बिलो ही चला जाता है ना, तो मे बी वो एसेट ही वैनिश हो जाए, मतलब मार्केट से ही खत्म हो जाए, डेड हो गया ना बेसिकली, मोमेंटम ही खत्म हो गया उसका. तो नॉर्मली ये ट्रेड होता है, मतलब हमने परसेंटेज तो देखनी है वो 0 to 100 के दरमियान में ही देखनी है. तो हमारे लिए इसमें से कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज होंगी जो हम आज RSI के इंडिकेटर में डिफाइन करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि मार्केट इस टाइम ओवरसोल्ड है, मार्केट इस टाइम ओवरबॉट है. तो वो चीज़ आज हम इसमें अपने इस इंडिकेटर में सीखेंगे. तो मैं इस इंडिकेटर की वैसे थोड़ी सेटिंग कर लेता हूँ जो मुझे कलर विजिबल हो. आई लाइक येलो, ताकि जो जो भी वैल्यू है मैं उस वैल्यू को देख सकूँ इसमें. जी, तो मैं बेसिकली डिस्कस कर रहा था कि हम इसकी कुछ शेप को देख लेते हैं. जैसे मैंने इसको येलो कर दिया ताकि इट विल बिकम मोर एंड मोर विजिबल टू मी, टू एवरीवन. और हम इसकी एक कुछ सेटिंग ऐसी और भी कर लेते हैं ताकि ये हमें, इसको हम टॉप पे भी लेके जा सकते हैं. वैसे नॉर्मली मैं इसको टॉप पे ही सेट करता हूँ, आपकी भी मर्जी है आप इसे कहाँ सेट करना चाहते हैं. अभी मैंने इसकी ये सेटिंग करनी है बिटवीन 30 to 75, वो तो हो गई है. यस, 30 to 70. और इसके बाद इसकी ये एक सेटिंग करनी है. बेसिकली ये कैसे होगी, जैसे हम अपने वर्ड वगैरह में काम करते हैं प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स डिज़ाइन करने में, ये सेम सेम ऐसे ही है. खैर, अभी इसको उठा के हमने लेके जाना है ऊपर. जस्ट गिव मी सम टाइम.
नहीं जा रहा ये पेट, इसको फिर ऐसे ले जाते हैं। ओके ले जी, ये मैंने एक इसकी एक छोटी सी सेटिंग की है। ओके इधर हमें ये किसी हद तक तो विजिबल है, सही है, ठीक है। अभी ये इसकी ग्रेडिंग हुई है 30 से 70 के दरमियान में। तो RSI इंडिकेटर के बारे में कुछ टेक अवेज हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे मैंने कहा कि जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, ये एक पॉपुलर मोमेंटम इंडिकेटर है, ऑसिलेटर है, कि हमें ये मार्केट के मोमेंटम के बारे में बताता है, कि जो हमें बेरिश एंड बुलिश बिहेवियर कंडक्ट कर रियलाइज करने में हेल्प करता है। उसके बाद ये जो RSI इंडिकेटर है, एन एसेट, इसमें यूजुअली कंसिडर किया जाएगा ओवरबॉट। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको टेक्स्ट की सूरत में भी लिख सकता हूँ, कि ये ओवरबॉट एसेट को कंसिडर किया जाएगा कि बहुत ज्यादा बाय किया गया है व्हेन RSI इज अबाउट 70%, एंड ये इसको कंसिडर किया जाएगा ओवरसोल्ड व्हेन RSI विल बी बिलो एट 30%। तो मैं इस ये की पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं, कि बिलो 30%, और हम इसको केस स्टडीज के जरिए भी वेरीफाई करेंगे। बिलो 30% मीन्स कि जो भी आप स्टॉक स्टडी कर रहे हो, या जो भी आप कोई क्रिप्टो करेंसी का प्रोजेक्ट स्टडी कर रहे हो, कोई फॉरेक्स का आप पेयर स्टडी कर रहे हो, अगर RSI आपकी उस चार्ट में बिलो 30% है, तो इट्स मीन कि वो स्टॉक, वो क्रिप्टो प्रोजेक्ट या वो फॉरेक्स का पेयर ओवरसोल्ड आप कंसिडर करेंगे। और अगर तो बहुत ज़्यादा ही बिलो चला गया है, बिलो 20 चला गया है, 20%, तो इट्स मीन के वो काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड किया जा सके, ओवरसोल्ड हो गया। ओवरसोल्ड मीन के लोगों ने बहुत ज़्यादा सेल कर दिया, और उसकी प्राइस जो है काफ़ी गिर गई है। जो प्राइस जो है उसकी गिर गई है, प्राइस बिकम्स मोर डाउन। तो आपको पता है कि जो प्राइस जब नीचे आ जाएगी, तो नाउ इट्स हैव टू टाइम फॉर बाय। नाउ कंडीशन ये आएगी कि आपको इस पॉइंट पे बाय करना चाहिए। तो जब हम अपने डिफरेंट इंटरप्रेट्स ऑफ टाइम में डिस्कशन करेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब RSI आपकी बिलो 15% चलेगी है, तो ये बहुत अच्छी कंडीशन है, बहुत अच्छा टाइम है कि आप बाय करें, ताकि आप वी शुड बाय, ठीक है, वी शुड बाय। लेकिन ऑफ कोर्स हम इसके साथ और भी इंडिकेटर्स को लाजमी कंसिडर करेंगे, जिसमें हम अपने MACD के इंडिकेटर को देखेंगे, अपनी 55 मूविंग एवरेजेस को देखेंगे। ऑफ कोर्स मैंने कैंडलिक स्टडी के लेक्चर्स में डिटेल से, तीनों लेक्चर्स में जो Part 1, Part 2, Part 3 थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल स्टडी की थी, हम उनको भी देखेंगे, फिर हम अपनी बाइंग एंट्रीज को सेट कर लेंगे। तो अगर बिलो 20% या बिलो 15% आपको किसी स्टॉक्स की वैल्यू RSI इंडिकेटर दे रहे हैं, तो इट्स टाइम फॉर बाय। कीप रिमेम्बर, टेक्निकल एनालिसिस वर्क्स फ्रॉम 60 to 70%। अगर आप इसको दूसरे टूल्स एंड इंडिकेटर्स के साथ अप्लाई कर रहे हो, इट्स नॉट एवरी टाइम 100% वर्क, बट मैंने बताया कि इसमें जो आपको रेशियो मिल रही है वो 7:3, 70% चांसेस है कि आपने अगर बिलो 15% कोई बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड स्टॉक्स को, या फॉरेक्स पेयर्स को, या क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट को बाय किया है, तो मार्केट के साइकिल में वो काफ़ी नीचे प्रोजेक्ट गिरा हुआ है, तो मार्केट हैव टू रिपीट हिज साइकिल, और आपको वो अगेन अप जाता नजर आएगा। उसकी RSI अबव 50 आएगी आपको नजर, वो ऐसे ही आएगी कि प्राइस अप जाएगा, क्योंकि लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड कर दिया है। हमें क्रूड ऑयल की RSI को 2% पे भी देखने को मिला, इवन 0% पे भी देखने को मिला, जब क्रूड ऑयल ही जीरो हो गया था, इवन नेगेटिवली ट्रेड हो रहा था। एंड यू इमेजिन के लोगों ने इतनी पैनिक सेलिंग की कि क्रूड ऑयल को आप $2 पर बैरल पे देख रहे थे, और RSI एट दैट टाइम आपको बिलो 5% नजर आ रही थी। तो दैट वाज द परफेक्ट बाइंग ऑफ क्रूड ऑयल, के जिन्होंने वहां पे क्रूड ऑयल पे बाय किया था। डोंट वरी, आई नो कि आप अभी ये चीज भी सोच रहे होंगे कि हमें ये क्रूड ऑयल पे कैसे अकाउंट्स हम कैसे देख सकते हैं, या हम अपनी इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। तो मॉड्यूल 3 में हम कुछ इस तरह की चीजें डिस्कस करेंगे, कि आप फॉरेक्स पे अपना विद द हेल्प ऑफ ट्रस्टेड ब्रोकर्स आप अकाउंट्स कैसे एक्टिव कर सकते हैं, आप ऑप्शंस
ट्रेडिंग पे आप अपना अकाउंट कैसे एक्टिव कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये जो ट्रेडिंग बिजनेस है ये बड़े दिल बड़े जिगर वालों के लिए बिजनेस है, तो रिस्क ऑलवेज देयर, बट यू हैव टू प्ले विद द रिस्क मैनेजमेंट विद द प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, अदरवाइज ये जितना पैसा देता है उतनी जल्दी पैसा ले भी जाता है। ये मैं एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। सो ओके, वी आर नाउ ऑन मॉड्यूल वन। इट्स जस्ट द बेसिक ट्रेडिंग मॉड्यूल वेयर वी विल स्टडी सम बेसिक इंडिकेटर्स विद सम बेसिक टूल्स, और हम अपनी चार्ट पेंटिंग एंड डिजाइनिंग को सीखेंगे, और फिर हम इन बेसिक इंफॉर्मेशन को हम किसी क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। कि आप वहाँ पर एक बेसिक एक्सचेंज पे अकाउंट बनाने के बाद आप एक बाइंग सेलिंग के सिलसिले को शुरू करें, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम योर ट्रेडिंग स्किल्स विल बी मोर एंड मोर इम्प्रूव्ड। एंड अगर आप पॉलिश करते रहेंगे, कंटिन्यूसली लर्निंग पे फोकस करते रहेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बेसिक से मीडियम, मीडियम से एडवांस में लेवल लाजमी जाएंगे। और इन द सेम मैनर ये एक ऐसी स्किल है कि ये आपको टाइमली इंडिपेंडेंट, लोकेशनली इंडिपेंडेंट, और ऑफ कोर्स जो लोग बहुत ज़्यादा वो ग्रीडी नहीं है, उन्हें पता है कि ट्रेडिंग इज बिजनेस फॉर पेशेंस होल्डर्स। अगर आप वॉरेन बफेट को स्टडी करें, उसकी पास हिस्ट्री को, तो उसके कोका कोला की वन टाइम इन्वेस्टमेंट और उसको काफ़ी ईयर्स के बाद उसको उसने कहाँ पर लेके गई। तो ट्रेडिंग बिजनेस इज फॉर पेशेंस होल्डर्स। सो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह साथ साथ। तो बेसिकली मैं आपको एक स्टैंडर्ड वैल्यूज़ बता रहा हूँ RSI की, जो हमने डिफाइन करनी है। कि below 30% हमने कंसिडर किया कि जो हमारे स्टॉक्स हैं वो या एसेट्स हैं वो ओवरसोल्ड हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि रादर स्टॉक्स और एसेट्स आर ओवरसोल्ड। ठीक है, वो ओवरसोल्ड हैं, और below 20% हैं कि जो स्टॉक की प्राइस है ओवरसोल्ड है, एंड प्राइस विल फॉल, प्राइस विल मोर फॉल। ठीक है, ओके, एंड वी शुड बाय। और अगर तो आपको between 15% एंड 10% के करीब RSI मिल रही है, तो इट्स मीन आप उस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये स्टॉक्स, हाँ, स्टॉक्स ये ओवरसोल्ड हो गए हैं। ठीक है, थीके? तो यहाँ पर Ctrl Z, ओके ओके, राइट, नो नो, स्टॉक्स ओवरसोल्ड जी। अच्छा, नाउ इन द सेम मैनर हमने जब देखना है कि अबव 70, तो हमारे जो 70% का मतलब ये होगा कि हमारे जो स्टॉक्स हैं वो आपके भाई ओवरबोट हो गए हैं। लोगों ने बहुत ज़्यादा बाइंग कर लिया है, जिसकी वजह से मोमेंटम, बुलिश मोमेंटम ने बुलिश मोमेंटम चल रहा है और स्टॉक्स ओवरबोट हो रहे हैं। और आपको पता है कि एक जो ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे कंटिन्यूसली प्राइस जो है वो अप 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 या डाउन 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 नहीं जाती। ये एक साइकिल है, हम इसको इलियट वेव के जरिए समझने की कोशिश करेंगे टुगेदर विद फैबोनाची नंबर्स। ये दोनों टूल्स हैं हम अप्लाई करेंगे अपने मे बी मॉड्यूल 2 में, जहाँ पे हम देखेंगे कि ये मार्केट में अगर डाउनफॉल है तो अपफॉल आना ही आना है, एप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन आनी आनी है, अगर डेप्रिसिएशन है तो एप्रिसिएशन आनी आनी है। ऐसा नहीं है कि प्राइस विल कंटिन्यूसली राइज 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 और प्राइस विल कंटिन्यूसली फॉल 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 फॉल। नो, प्राइस विल मूव अकॉर्डिंग टू द मार्केट साइकोलॉजी, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिंग टूल्स एंड इंडिकेटर्स। ठीक है, तो अभी हम कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज डिफाइन कर रहे हैं अपने RSI इंडिकेटर के। अबाव 70% है तो हम कंसिडर करेंगे कि ओवरबॉट हो चुके हैं स्टॉक्स, ओवर स्टॉक्स आर ओवरबॉट्स, ओके, स्टॉक्स और एसेट्स बिकम ओवरबॉट। और इन द सेम मैनर आपने देखा कि यार RSI जो है वो अबाव आपकी 80 चलेगी है, या अबव 80 है, या 80 है एटलीस्ट, तो स्टॉक्स काफ़ी ओवरबॉट हो गए हैं। आपने अगर डिप से बाय किया हुआ था,
लाइक 30 RSI से या 20 RSI से, तो आप भी सेल कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली प्राइस जो है वो आपकी बाइंग प्राइस से ऊपर जा चुकी होगी. सॉरी. तो इन द सेम मैनर आपने फिर एग्जिट पॉइंट्स भी डिफाइन करने हैं. लेकिन अगर आप होडल हैं, होल्डर हैं, होल्ड फॉर डियर लाइफ, तो फिर बेशक आप सेल ना कीजिएगा. आप आपके एक प्रॉपर परसेंटेज होगी कि मैंने इसी पे सेल करना है. एंड एज मैंने जैसे बताया है कि आपने अगर आप होल्डर हैं और आपने कहा कि जी मैंने इसी प्राइस पे सेल करना है, मेरा टारगेट है कि मैंने 1x या 2x पे अपने इस एसेट को कैश करना है, तो आप वहां पे भी सेल करते हैं. लेकिन जो लोग डे ट्रेडिंग में हैं, मतलब स्क्रीन ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए RSI, MACD और मूविंग एवरेजेस टुगेदर विद टूल्स एंड इंडिकेटर्स, ये जो टू टुगेदर विद फिबोनाची नंबर्स एंड रिलेटेड, ये टूल्स एंड इंडिकेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो डेली बेसिस पे प्रॉफिट कैश कर रहे होते हैं. ऑल्दो के उनको कुछ उनकी ट्रेड्स के स्टॉप लॉसेस हिट भी होते हैं, जिन्हें हम लॉसेस कहते हैं, तो ये उनके लिए हेल्पफुल है. तो अबव 80% स्टॉक्स बिकम मोर एंड मोर ओवरबॉट एंड इट्स टाइम टू सेल. ओके, इट्स टाइम टू सेल बिकॉज स्टॉक्स बिकम्स मोर ओवरबॉट, काफी ज्यादा ओवरबॉट हो गए हैं. अच्छा, अब हमने इसको हमारे पास दो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, लाइक बिलो 30% और बिलो 20%, सो वी शुड बाय, एंड अबव 80% और अबव 90%, सो वी कैन सेल टू कैश प्रॉफिट. ठीक है, आप इंस्टेंट प्रॉफिट वही होता है जो आप कैश करके अपनी अपनी पॉकेट में डाल लें, अपने बैंक में ले हैं, दैट्स इज द प्रॉफिट. तो इन द सेम मैनर आपने अपना प्रॉफिट कैश किया, नाउ अगेन हंट सम गुड ट्रेड्स. तो इन दिस वे यू कैन मेक मनी फ्रॉम द ट्रेडिंग बिजनेस एज वेल. तो अब हम कुछ आइडेंटिफाई करेंगे, अपने इन क्लेम्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा ये क्लेम कैसे अप्रूव होते हैं. कि मैंने जब कहा कि आप बिलो 20% या बिलो 30% आए, तो आप बाय करो एंड देन वेट. तो आपका जैसे ही प्राइस आप किसी अच्छे पॉइंट पे जाता है, तो आप उसको सेल करके आप अपना प्रॉफिट कैश कर लो. मैं यहाँ पे लीवरेज एंड मार्जिन ट्रेडिंग को डिस्कस नहीं कर रहा, उसमें आप बोथ वे से प्रॉफिट बनाते हो, बाइंग से भी सेलिंग से भी. वो आपने बिल्ड बाइंग से आपने एक एनालिसिस करके आपने एक इन्वेस्टमेंट करते हो, तो जैसे जैसे प्राइस अप जाता है तो आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होता है. इन द सेम मैनर आप सेलिंग पे एक टेक्निकल एनालिसिस कंडक्ट करते हो और आप कहते हो कि जी ये प्राइस डाउन जाएगा एंड आई एम पुटिंग माई इन्वेस्टमेंट एट दिस पॉइंट. और जैसे जैसे प्राइस डाउन जाती है, तो आप फिर भी प्रॉफिट बना रहे होते हो. हाँ, ये वाइस वर्सा एज वेल, कि अगर वो प्राइस आपके हक में नहीं जाती, आपने बाय लॉन्ग किया हुआ था और प्राइस गिरना स्टार्ट हो गई, सो इन द सेम मैनर आप अपनी मनी को लॉस भी कर रहे हैं. और यही केस सिनेरियो आपकी शॉर्ट सेल में भी है कि आपने शॉर्ट सेल लगाया, मीनवाइल आपने एनालिसिस से प्रिडिक्ट ये किया कि प्राइस इज नाउ गोइंग, प्राइस विल गो डाउन बट प्राइस अप जा रहा है, तो उस हिसाब से आपको लॉस भी होगा. वो लॉस प्रॉफिट लॉस के कैलकुलेशंस हम बकायदा एक लाइव ट्रेड में डिस्कस कर लेंगे कि वो कैसे कैलकुलेशंस होती हैं. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. टुडे हम RSI पे थे. जैसे कि इस टाइम आपने मुझे ये बताना है कि इस टाइम आपको कंडीशन क्या लग रही है. इस टाइम मेरी जो RSI की वैल्यू है ऑलमोस्ट 77 है, और ये यहाँ सर आप जाते जाते इस टाइम आपको RSI की वैल्यू 77 नजर आ रही है. तो इस मीन कि जो हमारे पास जो ये बिटकॉइन का स्टॉक है, ये बताएं ये ओवरबॉट है या सोल्ड है. आपको मैं 10 सेकंड देता हूँ, आप सोचें. इस टाइम RSI की वैल्यू 77 है ऑलमोस्ट. जी ऑफकोर्स, आप बिल्कुल सही सोचा आपने कि जो स्टॉक्स हैं वो इस टाइम बिटकॉइन जो है वो इस टाइम ओवरबॉट हुआ हुआ है. काफी लोगों ने बाय कर लिया हुआ है, वो प्राइस अप गया हुआ है. जब मैंने कैंडलिक स्टडी में ये चीजें आपको बताई थी, आपने मे भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा कि क्या ह्यूमन साइकोलॉजी बिहाइंड द सीन अप्लाई हो गई, और काफी लोगों ने बाय किया होगा. डेफिनेटली उन्होंने कुछ, यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट कैंडल्स भी नजर आ रही हैं, और ये हमने वहां भी डिस्कस की थी कि किस कैंडल पे लोग बाइंग कर रहे होते हैं और किस कैंडल पे लोग सेलिंग भी कर रहे होते हैं. तो इसका मतलब ये है कि इस टाइम ये ओवर बॉट की कंडीशन में है. डेफिनेटली ये आपको कुछ देर में स्टेबल भी आएगा. अभी ये मैंने वन डे का चार्ट खोला हुआ है,
जैसे कि मैंने अपने लेक्चर प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि 14,000 पे हमें एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस फेस की है, हमारे पास एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से हमें रिजेक्शन देखने को मिली है। अगर मैं आपको ये दिखाऊं, यहाँ पर देखें, प्रीवियसली ये जुलाई 2019 में 14,000 को टच किया था, और नाउ इन नवंबर 2020 अगेन वी आर एट 14,000। तो ये एक रेजिस्टेंस थी जो कि नहीं टूट पाई, मे बी टूट जाए अगर बुल्स विल बी मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर इन द मार्केट, तो यहाँ से एक रिजेक्शन फेस करनी पड़ी। तो ओवरबॉट है तो ये नॉर्मलाइज होगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, आपको प्राइस डाउन देखने को मिलेगा, देन मार्केट हैव टू रिपीट हिज साइकिल एंड अगेन इट विल गो अप। ओके, तो आरएसआई को मैंने जो अभी तक डिस्कस किया है कि आरएसआई इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, बेसिकली ये एक पॉपुलर मोमेंटम टूल है। मोमेंटम मैंने आपको बताया कि कोई भी क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ मूविंग बॉडी के, एक मूविंग बॉडी की जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है वो मोमेंटम कहलाती है। और क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस एवरी टाइम मूव हो रही है और हमारे पास जो बॉडीज हैं वो कैंडल्स की सूरत में है, तो कंटिन्यूसली कैंडल्स फॉर्मेशंस आपके पास बन रही है। तो और दूसरा, मैंने जो आरएसआई के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी कि ये आपको बुलिश एंड बेरिश मोमेंटम्स बताता है, वो हमने कैसे रिकॉग्नाइज किए। मैंने जब आरएसआई की स्टैंडर्ड वैल्यूज आपसे डिस्कस की कि बिलो 30 और बिलो 20 और अबव 70 और अबव 80, हमें स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन मिलती है कि स्टॉक्स आया ओवरबॉट हैं, स्टॉक्स आया ओवरसोल्ड हैं, और उनकी स्टैंडर्ड वैल्यूज क्या हैं, जहां पर हम स्टॉक्स की ओवरबॉट और स्टॉक्स की ओवरसोल्ड कंडीशंस को रियलाइज करते हैं। अब जैसा कि मैं एक केस सिनेरियो डिस्कस करूंगा 1 से 2, और हम फिर आरएसआई को समराइज करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अगर हम अपनी आरएसआई की वैल्यू देखें, इट इज बिकम 85, राइट, इट इज हेयर द आरएसआई वैल्यू इज 85, यानी कि हमारी जो ये कैंडल है, ग्रीन कैंडल जो हमें ये नजर आ रही है इस टाइम, इसकी प्राइस 11,822 पे थी, और यहाँ पर स्टॉक इतना ओवरबोट हो गया, इतना ओवरबोट हुआ कि अब काफी लोगों ने बाय कर लिया, एंड दीज विल बी द सेम पीपल हु वांट टू कैश, तो वो ऑफ कोर्स सेल भी तो करेंगे ना, जिन्होंने बाय बाय कर रहे हैं तो वो सेल भी तो करना चाहेंगे टू कैश देयर प्रॉफिट्स। तो यहाँ से हमें एक डाउनफॉल देखने को मिलता है इस कैंडल की सूरत में। और मैंने कहा था कि जैसे ही आप देखें कि प्राइस आपकी अबव 80 आरएसआई है या 85% अबव आरएसआई है, तो आप सेल सेल शॉर्ट कर सकते हैं। और कैन यू इमेजिन कि जिन लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट से डेट, यहाँ पर हम थे 11,886 डॉलर पे, उन्होंने सेल शॉर्ट की बिड लगाई होगी विद सम हैंडसम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पर हमें ये अच्छी खासी रिजेक्शन देखने को मिली, क्योंकि ये इंडिकेशन थी कि बियर्स विल बी मोर एंड मोर एक्टिव नाउ बिकॉज स्टॉक्स आर ऑलरेडी ओवरबॉट, सो इट्स टाइम फॉर पीपल टू हैव सेल देयर एसेट्स। तो यहाँ पर इंसर्ट की हुई आपकी इन्वेस्टमेंट 11,980 ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे भी, क्योंकि आपने देखा आरएसआई इज गोइंग अबव 80, सो इट्स टाइम फॉर योर एंट्री टू फॉर सेल शॉर्ट। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि ये जो चेंज आप 11,980 से लेकर आप देख रहे हैं विद इन वन डे, इट्स अ वेरी गुड चेंज विद इन 1 to 2 डे, क्योंकि ये 1 अगस्त से 2 अगस्त के दरमियान में आपको ये पूरा कैंडल फॉर्मेशन नजर आएगा। तो यहाँ की आपकी इंसर्टेड इन्वेस्टमेंट 11,980 के करीब करीब, और अगर आपने अपनी प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काम करें कि जी मेरा 2% रिस्क है विद 5% रिवॉर्ड, तो ये एक बहुत आपकी हैंडसम ट्रेड बन सकती थी यहाँ पे, अगर आप सेल शॉर्ट के जरिए इसको आपने एक्टिव किया होगा। तो ये ट्रेड, हम इस तरह की ट्रेड्स हंट करेंगे कंटिन्यूसली, अपनी लाइव ट्रेडिंग में भी देखेंगे मॉड्यूल जब हम सेकंड डिस्कस करेंगे। इन द सेम मैनर मैंने ये डिस्कशन की थी आपसे ओवरबॉट की सूरत में कि आपने सेल करना है, हम ओवरसोल्ड की कंडीशन भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें आरएसआई की वैल्यू 14 देखने को मिली है। सो वी विल ट्राई कि ये आपको किस पॉइंट पे आरएसआई इतनी देखने को मिली है एग्जैक्टली। मैं ये कैंडल फाइंड की है, यहाँ पर देखें कि ये जो कैंडल है, आपको यहाँ पर आपको बिटकॉइन का प्राइस 4,000 नजर आया,
ठीक है, ऑलमोस्ट अगर आप इस कैंडल पे भी हैं, आपको ऑलमोस्ट बिटकॉइन का प्राइस 4,600 भी नजर आया है। जैसे ये बिलो 20 चला गया, इट्स मीन कि इट्स टाइम फॉर परफेक्ट बाय, सो यू शुड बाय एंड यू शुड बाय। तो आपने देखा कि यहाँ पर अगर आप बाय करते हो 4,300 पे भी या 4,500 पे भी, तो RSI ने अपना साइकिल तो रिपीट करना ही करना है बाय स्टेबलाइजिंग आप विद द पैसेज ऑफ टाइम। आप इसको अबव 40-50 देखेंगे और इवन ओवरबोट होते भी देखेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए एंड देन यू जस्ट होल्ड योर एसेट, आपने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो यहाँ पर देखें कि हमने हमारी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 4,500 पे, नाउ विद द पैसेज ऑफ टाइम विद इन 5 डे 10 डे और विद इन 15 डे और विद इन मंथ यू आर सेइंग कि आपको आपको बिटकॉइन जो है वो $9,000 पे जाता हुआ नजर आ रहा है। आप इसी तरीके से कुछ और स्टॉक्स को भी स्टडी करें, कुछ और प्रोजेक्ट्स को भी स्टडी करें जहाँ पे RSI आपको बिलो 15 मिली होगी। आप यहाँ पे अलर्ट्स भी लगा सकते हैं, अलर्ट्स लगाना बहुत ईजी है और आपका फोन विल रिंग लाइक अ बेल। तो उन अलर्ट्स की मदद से भी आप अपने इंट्रीज को डिफाइन कर सकते हो और ये वन टाइम आप इंट्रीज लें एंड देन यू हैव टू कैश विद द पैसेज ऑफ टाइम और विद लेटर ऑन कि आपने कहा कि जी मैंने फर्स्ट से डेट $1,000 लगाए एंड व्हेन इट विल बिकम 5,000 और 6,000। क्योंकि यहाँ पर देखें अगर हम $4,000 पे आपकी इन्वेस्टमेंट है, $4,000 पे आपकी $4,000 की इन्वेस्टमेंट है, अगर बिटकॉइन की प्राइस $4,000 है और आप $4,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड विद इन 1 month आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो $8,000 पर इजीली जाते हुए नजर आ रही है। मीन वाइल के आप ये $4,000 इन्वेस्ट किए, नाउ इट बिकम $8,000, तो ऑलमोस्ट डबल कर लिया आपने इन्वेस्टमेंट। सो इज नॉट नाइस कि आप विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स आप मोमेंटम देख रहे हैं कि यार एक मुझे क्लियर इंडिकेशन मिला है कि यहाँ पर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी। ये बेसिकली आपको मंथ्स भी वेट करना पड़ सकता है, आपको डेज भी वेट करना पड़ सकता है इस तरह की ट्रेड्स हंट करने में। ठीक है, जो हमने स्टैंडर्ड वैल्यूज डिस्कस की हैं RSI की, तो अलर्ट्स हमारी लग सकती हैं कि जी प्राइस इस तरह बिलो आ जाए तो हम अपनी ट्रेड्स को एक्टिव कर सकते हैं। तो आई होप कि मैं जो RSI की बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाह रहा था वो मैंने शेयर की है कि RSI बेसिकली क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और हमारी कंडीशन ओवरबॉट कब होती हैं, हम ओवरसोल्ड कब होते हैं, और जो RSI बेसिकली प्रोवाइड्स टेक्निकल ट्रेडर्स सिग्नल्स अबाउट द बुलिश एंड द बियरिश प्राइसेस मोमेंटम, और वो भी हमने डिस्कस किया बिकॉज इट इज ऑफन प्लॉटेड बीनीथ द ग्राफ ऑफ एन एसेट प्राइस। तो वो मतलब जो हमारे ग्राफ बनते हैं उसी से ही हम ये ग्राफ है और इसी से ही हम बेरिश एंड बुलिश मोमेंटम हम अपना डिफाइन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ RSI। आई होप कि आपको RSI का ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आपकी बिफोर एंड आफ्टर इस इंडिकेटर के बाद लर्निंग इंक्रीज हुई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं, हमारा एक लास्ट एक हमारा एक और इंडिकेटर है MACD। हमने MACD को डिस्कस करना है और MACD के बाद हम रिस्क मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे और फिर हम अपना एक बेसिक अकाउंट खोलेंगे कोई भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट की एक्सचेंज पे और हम एक अपनी बेसिक ट्रेड लेंगे कि हम बाय एंड सेल कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। तो जो MACD है, बेसिकली MACD इज द मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, उसके बाद हम रिस्क मैनेजमेंट स्टडी करेंगे। तो आपका बेसिक TA का जो मॉड्यूल है वो कंप्लीट होगा इंशाल्लाह ताला, फिर हम क्रिप्टो के किसी प्रोजेक्ट्स में बाइंग सेलिंग करेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर जिसको में हम एक लास्ट इंडिकेटर MACD को डिस्कस करेंगे। सो सी यू सोन, स्टे ब्लेस्ड।